दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है या फिर पैसों की जरूरत होती है, तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वह लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। दोस्तों, उन्हें भी कई नियमों का ध्यान रखते हुए नोटों की छपाई करनी होती है। इसके बाद बाजार में नोट आते हैं। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब पता चलता है कि अब नोट छापने की जरूरत है। साथ ही जानते हैं नोट छापने से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एक रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि एक रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट को छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों, पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है। इसके लिए सरकार से परमिशन ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत देती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला दिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है कब छापते हैं नोट। ऐसा नहीं है जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छापते। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब भी कितने नोट छाप दिए जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जिससे वहां की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई के रेट भी काफी बढ़ जाते हैं। किस आधार पर होती है नए नोट की छपाई? सरकार और आरबीआई जीडीपी विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।